तो क्या होगा अगर तुम्हें वरदान मिले और तुम उसका ज्यादा मिस यूज कर लो और फिर एक दिन वो तुमसे छिन जाए बिल्कुल पीक पे तुम्हारे, तो क्या होगा? तो इसी के बारे में हमें जानने को मिलेगा ताजा खबर सीजन 2 में। हाँ, भुवन भाई आ रहे हैं वापस से। उस बंदे को देख के ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, मतलब कर सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं, किसी दिन वहाँ वाली फील आ जाती है। ठीक है, तो हाँ अब बहुत पीछे, ठीक है 100 भी नहीं हुए, गाली दे सकते हो, यस आई नो, बट सपने तो देख ही जाते हैं, सपने देख रहा हूँ। तो हाँ, सीजन फर्स्ट सीजन से एक लेवल ऊपर ही जाएगा और तुम्हें पता चल जाता है, क्योंकि जावेद जाफरी एस यूसुफ अख्तर विलन, और वो भाई जो सीक्वेंस है जिसमें वो चाटे बजाया जा रहा है भुवन में, चार लगातार चटा चट चट चट, भाई क्या चल रहा है। और वो अब कुछ कह भी सकते हैं, उसने उसका पैसा डुबा दिया। अब तुम किसी का पैसा डुबाओगे तो ऐसा बहुत कम होता है कि तुम्हें छोड़ दिया जाए। हाँ, अगर वो तुमसे छोटा है तो भी छोड़ सकता है, नहीं तो तुम्हें पता ही है। तो जैसे कि ट्रेलर से बहुत चीज़ें पता चल रही हैं, अगर तुम्हें नहीं पता चली तो मैं चीज़ें धीरे धीरे ब्रेक डाउन करना चालू करता हूँ, 2-3 बार देखने से समझ आ जाता है ट्रेलर की स्टोरी क्या होने वाली। तो स्टोरी की शुरुआत होगी वहीं से, जहाँ पर बीवी के कैरेक्टर को जो अपडेट्स मिलते थे या जो ताज़ा खबर मिलती थी वो आना बंद हो गई है, क्योंकि उसके बुरे कर्मों की वजह से, और माता रानी रूठ गई शायद से उससे। बट अब उसको जहाँ पे भी अगर लोकेशन मिलती है कुछ होने वाला, वहाँ उसको गंध मिलता है, जहाँ सोना मिलता था अब वहाँ बताता है वो क्या मिलता है। तो तुमने ट्रेलर थोड़ा भी देखा होगा तो मिल जाएगा। तो हाँ, वो जहाँ पे भी आत्मार्था टटके निकलती है लो बोल दिया। ठीक है, तो इस पूरे सीजन में होने क्या वाला है? सीजन में ये होगा कि जो उसके सारे दोस्त हैं जो रूठ गए हैं, वो यार दोस्त जो उसके सारे यार दोस्त हैं जिन्होंने हेल्प करी उसकी ऊपर आने में, तो उन सबको उसने ईगो अपने दिखा के साइड कर दिया। जो साइड लाइन पे है वो वापस कैसे आते हैं उसकी लाइफ में, वो उसे फिगर आउट करना है ताकि लाइफ अच्छी चल पाए। क्योंकि तुमने लास्ट का जो अपडेट था वो ये था कि वसंत गावड़े की हुई मृत्यु, ये लास्ट अपडेट था। पर वसंत गावड़े मरेगा थोड़ी भाई, वो आया है या मरेगा भी तो अभी नहीं मरेगा, क्योंकि लास्ट का जो सीक्वेंस है वो भी दिखा दिया गया है कि अगर कुछ होगा गोली गोली लगने का सीक्वेंस, वो एंड ऑफ द मूवी है जब वो वापस से रिक्लेम कर लेगा अपनी उस पावर को और आगे बढ़ना चाह रहा होगा, बट तभी उसको आके गोली लगी। क्योंकि यू नो तुम अपना डेस्टिनी जो है वो बदल नहीं सकते, टाल सकते हो कुछ टाइम के लिए बट बदल नहीं सकते, तो मरना एक वैसी ही डेस्टिनी है जो तुम चाहे कितना भी टाल लो बट नहीं दूर जाएगी। वो आज यहाँ है, कल भी यहाँ होगी, और जब तुम्हारी आनी होगी तब भी वहाँ होगी। तो जावेद जाफरी आते हैं, और जावेद जाफरी मेरे को शुरुआत में वैसी फील देते हैं जो उन्होंने रणवीर कपूर के साथ जो मूवी आई थी उसमें दी थी। हाँ, तो जो बेशर्मन का कैरेक्टर था वो स्टाइल से वो सेम ही लग रहे हैं, बट हाँ इसमें थोड़ा सेंसियर बंदा होगा, इसमें मजाक नहीं होगा, और होगा भी तो ऐसा मजाक होगा कि जिसमें वो ही समझ लो। एक होता है ना, एक विलन ऐसा होता है कि तुम्हें हंसी दिलाएगा बट वो जब आएगा उसे मजा आ रहा होगा, तुम्हें कॉमेडी भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहा है, उसके जो जो पंचेज है वो भी लगे नहीं रहे कहीं पे भी, बट यहाँ जो थप्पड़ है वो लग रहे हैं किसके गाल पे, वो तुम्हें उसमें ट्रेलर में दिखेगा साफ साफ कि अरे भाई हीरो तो पिट रहा है। हीरो ने अपनी माशुका को भी छोड़ दिया था किसी और के चक्कर में, बट क्या होता है इसमें रिक्लेम कर पाएगा? ऑब्वियसली कर पाएगा। तो वसंत अपने सारे एवेंजर्स को असेंबल होने को कहेगा और फिर टीम जो निकलेगी सोना ढूंढने, और उसी कश्मकश में जब एक दो बार गलत हाथ पड़ेंगे तो एक लास्ट में एक हाथ सही पड़ जाएगा, कैसे, जो कि एरोप्लेन क्रैश दिखाया गया उसी में से खजाने या पैसे रिकवर होंगे, जिसमें वो खुश हो जाता है वो सीन में। तो एक तरीके से स्टोरी का बेसिक प्लॉट पता चल जाता है क्या होने वाला है, वो तो शायद से हम वैसे भी गलत, बट थोड़ी मोटी डिटेल जैसा लगा मेरे को कि मेरे को दिखी तो मैंने बता दिया। चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी न्यूज़ में दुरुस्त रहना, और आते रहना एक बॉल पे वापस से, बाय बाय, और सो कर आ दो, हो गया बहुत टाइम हो गया और आ गए हम क्लोज। ठीक है, तो काश ऐसा हो गया मैं अगली बार यूट्यूब स्टूडियो खोलूँ और सो जाए। ठीक है, दुआ मांगते हैं, ताज़ा खबर, कर्जा और गुनाह चुकाने पड़ते हैं वरना चैन से मर भी नहीं सकते। जब कांड लगी होती है बहुत गहरी बात कर देते हो महबूब।